कनिका कपूर जिन्हें क्वारंटाइन में भेजा गया है कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद। कनिका आज तक पर हैं आप, सब लोग आपको सुन रहे हैं। सबसे पहले फिलहाल आप कैसी है, आपके सिम्टम्स क्या क्या थे और आपको अभी क्या क्या एहतियात कहा गया है? सॉरी मुझे एक बार सुनाए, आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं मैं दिया। ये पूछ रहा हूँ आप अभी कैसी हैं, आपको सिम्टम्स क्या थे और आपको डॉक्टर्स ने अभी क्या कहा है? So, मैं इस समय बहुत एंग्शियस हूँ और मुझे बुखार है एंड मैं एक हॉस्पिटल में हूँ जहाँ मुझे पता नहीं, मैं अकेली हूँ यहाँ पर, यहाँ कुछ खाने या पीने को पानी भी नहीं है और मैं थोड़ी परेशान हूँ बिकॉज मुझे पता नहीं कि यहाँ मुझे मेरे साथ क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। और यहाँ मैंने डॉक्टर से बात करने की कोशिश करी है, उनको उनसे पूछने की कोशिश करी है, तो उन्होंने मुझे उल्टा थ्रेटन किया है कि आपके बारे में हम इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं दैट आपने गलत कुछ किया है और आप एयरपोर्ट से भाग के आई हैं और समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई रूमर्स और अफवाहें फैल रही है बाहर, तो हम आपके ऊपर पुलिस केस करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे हेल्प नहीं करी है, डॉक्टर ने मुझे यहाँ बैठा कर रूम में एक थ्रेटनिंग कॉल भेजी है। तो मैं थोड़ी एंग्शियस हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरे बाहर क्या हो रहा है और ये बातें कहाँ से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। कनिका पहली बात आप टीवी पर हैं, हर कोई आपको सुन रहा है, जी, okay. इस बात को आप मानकर चलिए कि आपके साथ कोई ऐसी मुझे आके हेल्प करनी चाहिए बिकॉज़ लाइक मैं भारत की आप पढ़ी लिखी लड़की हैं, हूँ आप एंड दुनिया भर से आई घूम नीड कर आ द रही समवन हैं, हू आपने खुद देखा होगा सॉरी क्वारंटाइन क्या होता है और क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, ये बात तो आपको मालूम होगी ना? सर मैं क्वारंटाइन में ही हूँ लेकिन कम से कम आपको पेशेंट को आपको थ्रेटन तो नहीं करना चाहिए ना, गलत गलत बात पे अफवाहें फैलाकर कुछ भी सुनकर आप पूछिए ना हमसे पहले, सच बात तो किसी से पूछनी चाहिए, आप किसी को कुछ भी बोल देंगे। इसीलिए हम आपको आज तक पर बुला रहे हैं, इसीलिए हमने आपसे बात की है। इससे पहले मैंने आपका पूरा इंस्टाग्राम पोस्ट भी पढ़कर सुनाया और आपके पिताजी से भी काफी देर लंबी बातचीत की है जिसको सारे देश के लोगों ने सुना है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये खबरें छपी कुछ जगह पर कि आप एयरपोर्ट से छुप कर निकल आए, उसमें कितनी सच्चाई है? सर आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान में कोई छुप कर एयरपोर्ट से मतलब निकलेगा कहाँ से और क्यों निकलेगा ये समझ नहीं आता मुझे। और मैं छुप कर यहाँ से मैं क्यों, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं छुप के कहीं से क्यों भागूंगी? ये बात फैलाई किसने और क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आया। तो आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए बाहर आई, आपकी जांच पड़ताल हुई, मेडिकल चेकअप हुआ एयरपोर्ट पर? मैडम दे दीजिए मेरे पास है नहीं। हाँ सॉरी सर, आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए आई, आपका एयरपोर्ट पर मेडिकल चेकअप हुआ? मेरा मेडिकल चेकअप पूरा एयरपोर्ट पे पूरी स्कैनिंग हुई है, पूरा मैंने फॉर्म भरा है, प्रॉपर दिया है, मैं एकदम ठीक थी। पिछले 3-4 दिन से मेरी थोड़ी सी तबीयत ढीली हुई है लखनऊ में और मैं जब से मेरी हल्की सी भी तबीयत ढीली हुई है मैंने फोन करके CMO ऑफिस को और हॉस्पिटल को 2-3 डिफरेंट लोगों को मैंने खुद फोन करके बोला है कि प्लीज आप मुझे टेस्ट करिए कि हो सकता है कहीं 1% मुझे कोरोना वायरस ना हो, टू बी ऑन द सेफ साइड। उनको 2 दिन लगे मुझे टेस्ट करने में क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि नहीं माइल्ड फ्लू हो सकता है, आप रेस्ट करिए घर पे और बाहर मत जाइए। मैं कहीं नहीं गई हूँ 3 दिन। कल उन्होंने मुझे शाम को बहुत प्रेशर करने के बाद उन्होंने मेरा टेस्ट लिया है और आज सुबह उन्होंने मुझे कहा कि ये पॉजिटिव है। लेकिन आपको ये कहीं महसूस नहीं हुआ कि आप विदेश से लौटी हैं तो आपको गाइडलाइंस जो नॉर्मली दी जा रही हैं विदेश से आने वालों को कि 14 दिन क्वारंटीन में रहना चाहिए? मैं 9 तारीख को विदेश से लौटी हूँ, मैं अपने बच्चों से मिलने गई थी, मेरे बच्चे लंदन में पढ़ते हैं और मैं लखनऊ में रहती हूँ अपने माँ बाप के पास और मैं जब 9 तारीख को वापस आई हूँ तो मेरे सामने कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी कि मुझे 14 दिन, 9 तारीख के बाद 14 दिन मैं किसी से मिल नहीं सकती, लेकिन मैं अपने घर ही आई हूँ वापस। आपकी कोई क्वारंटाइन स्टैंपिंग नहीं हुई? मैं कोई यहाँ हॉलीडे मनाने नहीं आई हूँ सर, मैं लखनऊ की लड़की हूँ महानगर की और मैं अपने घर ही आई हूँ अपने माँ बाप के साथ क्योंकि मेरे माँ बाप ने कहा कि आजकल थोड़ा समय खराब है, तुम हमारे पास आके हमारे साथ ही रहो। कनिका हर कोई अपने घर ही लौट रहा है, आप भी इस बात को जानती हैं, जो लोग बाहर तो काम करते हैं वो भी अपने घर ही लौट रहे हैं, लेकिन अगर वो जिस जगह से आ रहे हैं वहां पर बीमारी फैली है और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 14 दिन अपने परिवार के भी साथ ना रहे, तो उसमें गलत है क्या कुछ?
सर 9 तारीख को मुझे इस चीज के बारे में इतनी खबर नहीं थी, हमें किसी ने नहीं बोला था 9 तारीख को कि आप अपने माँ बाप के पास भी मत जाइए। और वैसे भी माँ बाप के मैं घर में आई हूँ, हमारे अपने अपने कमरे हैं, मैं अपने माँ बाप से अलग ही रही हूँ, ऐसा कोई हमने वैसे भी काफी दिनों से जब से कोरोना शुरू हुआ है हम एक दूसरे के पास कोई भी नहीं जा रहा है। आपके पिताजी ने बताया 3 पार्टीज अटेंड की आपने? सर हमारे पिताजी ने बताया कि 3 पार्टियां अटेंड करी मैंने जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं। मेरे फ्रेंड, हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने, उनकी बर्थडे थी लास्ट वीक 13 तारीख को, उन्होंने उनके स्मॉल फैमिली गेट टुगेदर से, आप उनका प्लीज नंबर ले लीजिए, उनसे बात कर लीजिए कि ये वो पार्टी थी या फैमिली गेट टुगेदर थे छोटे, ये आपका जिसमें यूपी गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिशियल्स थे, मंत्री थे, सब थे। कनिका ये कहा जा रहा है कि आपने एक आध नहीं बल्कि 3-4 पार्टीज अटेंड की जिसमें आप कम से कम 300 से 400 लोगों के संपर्क में आई। नहीं अटेंड करी है। आप कम से कम 300 से 400 लोगों के संपर्क में आई, आपके पिताजी ने कही ये बात, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ या कहीं से पढ़ के नहीं कह रहा हूँ इंटरनेट से। सॉरी सर आप मुझे फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपके पिताजी ने कहा कि आप कम से कम 300 से 400 लोगों के संपर्क में आई हैं पिछले कुछ दिनों में इन पार्टीज के दौरान। ये मेरे पिताजी कह ही नहीं सकते क्योंकि 300-400 लोगों की कोई पार्टी हुई नहीं है। कनिका हम जो भी कह रहे हैं, पहली चीज ये आपका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, ये केवल बातचीत आपसे इसलिए हो रही है, एक अगर कोई गलत चीज आपके बारे में छपी है जैसा आप कह रही हैं तो वो ना बढ़े आगे, और दूसरा आपके माध्यम से जितने ज्यादा लोगों को ये पता लग सके कि वो इस बीमारी को फैलने से रोकने में कैसे मदद कर सकते हैं तो वो इस चीज को समझें, इस पर कोई नाराज होने। मैंने अपनी तरफ से, मैं एक एजुकेटेड लड़की हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि ये कहीं भी किसी को भी, हमारे घर में ही नहीं बाहर भी किसी को नहीं फैले। घर में लोग ग्लव्स पहनकर, काफी एक वीक से लोग ग्लव्स पहनकर बैठे हैं। यहाँ पर जब मैं लखनऊ में आई थी यहाँ किसी को कुछ पता नहीं था, हमारे घरों में किसी को कुछ नहीं पता था कोई, अब मालूम चला है पिछले 2-3 दिनों में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और लोगों ने न्यूज में और सब जगह बातें बताई हैं, बाकी जनरली लोगों को नहीं इतना पता है। लेकिन जब से पता लगा है, जिसको जो भी पता लगा है, हम सबको, हम पूरे उस रूल्स के इस हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। कनिका बड़ी हैरानी की बात है कि ना तो आपको हिंदुस्तान में और ना ही उसके पहले लंदन में कोई ट्रेवल एडवाइजरी ऐसी दिखाई दी जिसने आपको इस बात का इशारा दिया हो कि आपको क्वारंटाइन रहना चाहिए कुछ दिन। सर 9 तारीख को मैं वापस आई हूँ एंड मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैं अपने वापस लखनऊ घर ही आई हूँ, और मैं कोई विदेश कोई हॉलिडे मनाने नहीं गई थी, मैं लंदन में रहती हूँ क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे 3 बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं, तो मैं हर महीने दूसरे महीने मैं लंदन जाती हूँ, उनकी देखभाल करना चाहती हूँ, मैं आई एम अ सिंगल मदर एंड आई वर्क इन दिस कंट्री, आई वर्क इन इंडिया, मैं यहाँ वापस आके अपने माँ बाप के पास आई। आप भारत की निवासी हैं, आप लखनऊ की बेटी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा आपको, और आप सिंगल मदर हैं, आप अपने 3 बच्चों से मिलने के लिए जाते हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर रहा। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि लंदन के एयरपोर्ट पर, मुंबई के एयरपोर्ट पर, लखनऊ के एयरपोर्ट पर किसी ने आपको यह नहीं बताया कि आप विदेश से आई हैं तो आपको 10-15 दिन अलग रहना चाहिए परिवार से, और लोगों से तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए बाहर। मेरी पूरी स्कैनिंग हुई है, हमसे सारे जितने भी फॉर्म थे वो भराए गए हैं, लेकिन हमें ये किसी ने नहीं कहा कि आप अगले 14 दिन जो है आप किसी से बात मत करिएगा या किसी से मिलिएगा मत या अपने माँ बाप के पास मत जाइएगा, कुछ भी नहीं ऐसा बोला गया, या क्वारंटीन में रहिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया। आप और अगर बोला जाता तो हम बिल्कुल अपने कमरे से बाहर तभी नहीं निकलते। आप कह रही हैं कि आप पार्टी में गई, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे, क्या आप बता सकती हैं कौन कौन लोग थे जिनको ये पता लगना चाहिए कि उन्हें कम से कम अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए? सर मैं किसी का इस समय ऐसे नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप मुझसे मेरा प्रॉपर स्टेटमेंट ले लीजिए, क्योंकि ये बात गलत हो रही है कि मेरे ऊपर चीजें फेंकी जा रही हैं जो गलत हैं। मैं इंटरनेट पे ये पढ़ रही हूँ कि कनिका कपूर ने 5-star होटल में जाकर वहाँ पार्टियां थ्रो करी, ये बातें गलत हैं। मैं लखनऊ में आकर मैं अपने घर जाती हूँ, अपने माँ बाप के साथ रह रही हूँ, और किसी ने यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं करी। हमारे यहाँ फैमिली गेट टुगेदर हुए थे लास्ट वीक, बस दैट्स ऑल, वो भी स्मॉल। कितने लोग मिले होंगे आपसे कुल मिलाकर पिछले 8-10 दिन में? सर 8-10 दिन में 10-30 लोग कम से कम। उन सभी लोगों को पिछले 7 दिन में बिल्कुल कोई नहीं मिला है मुझसे, उसके पहले लास्ट वीक को 13 तारीख को। जितने लोग आपसे मिले सबको आपने
अपने तौर पर इन्फॉर्म किया है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है और आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए अपने? सबसे पहले जैसे ही मुझे बुखार भी हुआ है, मैंने सबको एक एक फैमिली मेंबर को मैसेज करके इन्फॉर्म किया है। लंदन तक में मेरे फ्रेंड्स जो हम लोग सब लोग मिले थे उनको इन्फॉर्म किया है। मेरे बच्चे मेरे साथ थे, सबको प्रॉपर क्वारंटीन में किया है।